हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है होली के इस पावन पर्व में। और आज होली का पावन पर्व है। इस होली के पावन पर्व में आपके और आपके परिवार के जीवन में खुशियों का रंग भर जाए। आप सभी का जेपीएससी में जो आप लोगों ने मेहनत किया है वो भी एक रंग लाए आगे वाले आगामी समय में, और आप सभी का जो है सिलेक्शन भी हो जाए, ये आशा करते हुए आज जो है जेपीएससी मेंस के तहत जो है पेपर 6 का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आने वाले दिन में आप सभी का भविष्य क्या हो, उज्जवल हो, खुशियां आए, इस शुभकामनाएं के साथ जो है क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए तो सबसे पहले साइंस का जो पेपर है, उसका देख लेते हैं कि क्या कुछ है साइंस के पेपर में। जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है, एनवायरनमेंट और जनरल साइंस का तो पढ़ना ही है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है अन्य से, अर्थात अन्य पाँचों पेपर से थोड़ा डिफरेंट है मार्क्स के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें। पहले तो सेक्शन 1 जो है वो कंपलसरी है, याद रखिएगा। पहला सेक्शन में 20 क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस के, और यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। और ये तो आपने देखा कि पिछले इकोनॉमिक्स वाले पेपर में भी ऐसा ही था, तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी है। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, सब में 20 क्वेश्चन ही है याद रखिएगा मल्टीपल के, और यहाँ 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब रह गया लॉन्ग सेक्शन के लिए। लॉन्ग सेक्शन के लिए पूरे सिलेबस को जो है 5 सेक्शन में बांट दिया गया है, ए बी सी डी ई, ठीक है। और प्रत्येक में क्या रहेगा, आपको 32 नंबर करके मिलेंगे, ठीक है। आपको एक ही क्वेश्चन लेना है, और एक क्वेश्चन लेते हुए 32 × 5 अगर हम करते हैं तो कितना आ रहा है, 160 मार्क्स यहां से हो रहे हैं, और 40 मार्क्स हो गए आपके एमसीक्यूज में, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए जो है 200 हो गए, ठीक है। चलिए अब ध्यान में रखिएगा, यहां पर दो सेक्शन रहेगा, एक तो आपको मेन क्वेश्चन रहेगा या और वाला सेक्शन, कोई एक सेक्शन आपको चूज करना है, और 5 सेक्शन में से इस प्रकार 5 प्रश्न लेते हुए आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न तो आपको क्लियर हो चुका है। और दूसरी इस पेपर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, दूसरी इस पेपर की सबसे बड़ी विशेषता है वर्ड लिमिट, है ना, वर्ड लिमिट, जो कि पिछले किसी भी पेपर में नहीं था दिया हुआ, लेकिन यहां दिया हुआ है। यहां याद रखिएगा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो 500 से लेकर 600 शब्दों के बीच में आपको क्या करना है, रखना है। और ये वर्ड लिमिट साइंस के पेपर में ही दिया हुआ रहता है। तो आप ये जो 500 से 600 पर अगर 32 मार्क्स मिल रहा है, तो इस हिसाब से 100 मार्क्स में कितना नंबर हो रहा है, इस तरीके से आप इस थ्योरी को आप निकाल करके कि कितने नंबर पर आपका कितना वर्ड हो रहा है, इस थ्योरी को आप क्या कर सकते हैं ना, पूरे के पूरे जेपीएससी के मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी आधार पर लिख सकते हैं। सोचिए 500 से 600 अगर 32 मार्क्स के हैं तो 40 मार्क्स के हिसाब से कुल मिलाकर के और 50 बढ़ सकता है, 50 या 75 वर्ड्स इंक्रीज कर सकता है, तो 650 शब्द। तो 40 मार्क्स का जब आप एक प्रश्न लिखें पिछले जो पेपर 2, 3, 4, 5 में जो है, तो उसमें आप 40 मार्क्स का जहां भी रहे वहां 650 शब्द आप रख सकते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था, याद रखिएगा छठी जेपीएससी में हमें जब ये सिलेबस मिला था, और चूंकि छठी जेपीएससी ये इंप्लीमेंट हुआ है ये सिलेबस, तो जैसे हमें सिलेबस मिला तो हम लोगों ने नंबर की जो शब्दों की सीमा को फाइंड आउट करने के लिए इस जो 6 वाला पेपर है, जो साइंस का पेपर है, वहां नंबर की सीमा दी हुए हैं, और उसी सीमा का हम लोगों ने जो है उसी वर्ड लिमिट का हम लोगों ने उपयोग किया, और उसी के आधार पर जो है छठी जेपीएससी के मेंस को लिखा, ठीक है। चलिए तो ये तो था, ये तो था जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को आप भी अपना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ फिजिकल्स। चलिए अब देखते हैं कि सिलेबस क्या कुछ है। सिलेबस फिजिकल साइंस अर्थात फिजिक्स का है, SI, MKS, CGS और SI सिस्टम। SI सिस्टम को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, कई बार इन चीज़ों को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे फोर्स का जो मैटर है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, या ग्रेविटी को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन साथ में इनके शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं, याद रखिएगा। सोलर सिस्टम से तो प्रश्न पूछा गया है, 6 जेपीएससी में सोलर सिस्टम से प्रश्न पूछा गया, थ्योरी पूछा गया है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन, याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून, सोलर सिस्टम, लूनर और सोलर इक्लिप्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ साउंड, हाँ, दो जो कंसेप्चुअल है, इंफ्रासोनिक और इंफ्रासोनिक के साथ साथ जो है क्या है अल्ट्रासोनिक, तो ये दोनों साउंड सोर्सेस ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स और सम एप्लीकेशंस, ये बिल्कुल ये पोर्शन तो आपको लिखना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, याद रखिएगा। सोलर सिस्टम और ये दोनों पार्ट आपको क्या करना होगा, बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के तो सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़े किसको ना छोड़े। सेल स्ट्रक्चर पर ना केवल एमसीक्यूज में प्रश्न पूछा जा सकता है बल्कि मेंस में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है बायो मॉलिक्यूल्स है, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेशन है, एनिमल हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस पूछता है। मेंस अर्थात थियोरेटिकल पार्ट में भी पूछा गया, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार 6 JPSC में थियोरेटिकल पार्ट जो पूछा गया है। आज हम लोग 6 JPSC का जो मेंस का क्वेश्चन है उसको लेकर के थोड़ा एनालिसिस करेंगे और बाद में फिर मैं आपको पास मैं जो है आपके पास पेपर को भी लेकर आऊंगा एनालिसिस को लेकर के, ठीक है। चलिए सेल प्रोडक्शन पर माइटोसिस और मियोसिस, आपको अगर याद होगा बचपन का दिन, अगर आप अपने 10th class को याद कर पा रहे हैं तो उस समय जब हम लोग साइंस में माइटोसिस और मियोसिस बनाते थे तो क्या करते थे, इस तरह का इमेज बनाते थे और प्रत्येक इमेज में क्या होता, क्रोमोसोम को हम लोग इस प्रकार दिखाते थे कि देखो भाई क्रोमोसोम जो है ध्रुव के द्वारा क्या अटैच है। तो इन चीजों का इस्तेमाल करना मतलब बिल्कुल आपको देना होगा जब आप माइटोसिस और मियोसिस में करें। हालांकि मियोसिस के टोटल डिवीजन को दिखाना इमेज के माध्यम से काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन माइटोसिस तो आप दिखा सकते हैं, 5 पार्ट पूरा आप इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करिएगा जहाँ भी आपको इमेज डायग्राम, हर पल इमेज और डायग्राम यूज़ करिए। जितना आप लिख रहे हैं, लिखने को अगर आप एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, तो एक्सप्रेशन को अगर आप डायग्राम के माध्यम से पेश करेंगे तो कहीं भी, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी पेपर हो, याद रखिएगा अगर आप डायग्राम के माध्यम से, लिटरेचर को छोड़ करके, तो डायग्राम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इससे जो कॉपी चेक होती है उसमें पता चल जाता है कि नहीं इनको नॉलेज है और इसी आधार पर इन्होंने क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप कंटेंट दें, कंटेंट दे, लेकिन कंटेंट में एक बात ध्यान रखिएगा, कंटेंट कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए क्योंकि आप रिसर्च करने नहीं जा रहे, कंटेंट में सरलीकरण होना चाहिए। और उस सरलीकरण का एक और हाथ होता है इमेज बनाना। सरलीकरण को अगर आप इमेज के माध्यम से बना देंगे तो फिर आपका जो है सिलेक्शन तय है। हालांकि हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आशा करता हूँ होली के इस पावन पर्व में कि आप में से जो भी बच्चे तैयार हो रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, उनका JPSC में नौकरी हो जाए, क्योंकि झारखंड में नौकरी लेना एक बहुत बड़ा उद्यम है। एज ही पार हो गया हम लोगों का, ये क्षेत्र तो एक विकासशील, हम कहेंगे कि अविकसित ये राज्य है, यहाँ काफ़ी समस्या है। और इन समस्याओं के बाद अगर झारखंड के किसी युवा को नौकरी मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये बहुत मेहनत का परिणाम होगा, तभी ये संभव हो पाया है इस झारखंड में एक नौकरी निकालना। क्योंकि जो समस्याएं हैं आज सभी के सामने है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी युवा इस समस्याओं का भुक्तभोगी नहीं है, सभी युवा कहीं ना कहीं किसी भी दौर में इस समस्या से ग्रसित है। और हम तो ग्रसित हो ही चुके हैं, हमारा एज भी पार हो गया, इन सभी चीज़ों से उभर करके भी नौकरी नहीं हो पाई। तो इस तरह की समस्याओं से आप युवा जो हमारे कमिंग जनरेशन है वे ना भोगे, उसके लिए ही हम सब जो है लगे हुए हैं। और आपके एक नए जीवन की भी जो है हम लोग क्या करते हैं, तो शुभकामनाएं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की ओर बात करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है, सॉरी सिलेबस को लेकर के बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है ना, एग्रीकल्चर, हाँ यहाँ हम लोग थे मेंडेलियन इनहेरिटेंस, काफ़ी महत्वपूर्ण है मेंडेलियन, जेनेटिक्स के फादर को तो पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा DNA काफ़ी प्रश्न है, ये जो दो सेक्शन है याद रखिएगा, ये दो बायोलॉजी का रीढ़ है मेंस पार्ट की दृष्टिकोण से। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये तीनों पार्ट अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, चाहे ऑनलाइन से जोड़ करके करिए, चाहे कहीं से भी आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए एग्रीकल्चर साइंस में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ झारखंड, पहले तो ये सिनेरियो है और इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लिखे। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ झारखंड में अगर 32 marks लिखना पड़े तो बड़ा जटिल समस्या है, लेकिन क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे कि यहाँ का टेम्परेचर कैसे राइजअप होता है, यहाँ की मिट्टियाँ क्या है, यहाँ का रेनफॉल पैटर्न में किस प्रकार है। अब इन चीज़ों के साथ साथ हमने कहा था आपको कि डायग्राम जरूर ऐड करिए कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में जब आप डिवाइड कर रहे हैं तीन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में, तो आप क्या करेंगे ना, डायग्राम जरूर दे दे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेज इन ईच जोन, ठीक है, ये भी सेक्शन देख लीजिएगा। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर तो प्रश्न पूछा गया कि झारखंड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन की विधि, आपने जो है जल पुरुष का नाम सुना होगा, तो जल पुरुष का नाम अगर आपने सुना है तो उसी हिसाब से ही इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बोरी बांध मॉडल जो है, उस बोरी बांध मॉडल को भी क्या करना होगा, आपको सामने रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉयल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ झारखंड, झारखंड के कौन से सेक्शन में कैसी मिट्टी पाई जाती है, अर्थात मिट्टियों के फर्टिलाइजेशन, मिट्टियों का जो उड़बड़ा है उसको लेकर के पूछ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट है, फार्म यार्ड मैन्यूरिंग, ये तो छोटा छोटा सेक्शन है जिसको लेकर आप लिख सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, देखिए ये पोर्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, दे आर एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग पिछले कुछ वर्षों में जो है भारत में धीरे धीरे उभर करके आ रहा है, और सिक्किम जैसे स्टेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफ़ी क्या है ना, बचड़स भी है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के थोड़ा वर्क कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट्री भी होगा और एग्रीकल्चर भी होगा, तो डेफिनेशन क्लियर है। वेस्ट लैंड एंड मीन्स टू रिक्लेम देम, वेस्ट लैंड बंजर भूमि को आपको क्या करना होगा, कैसे मेन मुख्य धारा में लाना है, ये चीज़ें आपको देखनी है। गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है फार्मर्स के लिए, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस में क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तो पढ़ना ही होगा। नेचुरल रिसोर्सेज, रेनुअल और नॉन रेनुअल पार्ट पर तो कई बार क्या होता है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक्सीटू और इनसीटू कंजर्वेशन, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए, इसमें तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो हॉटस्पॉट एरिया, थ्रेट्स टू दी बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा था, 6 JPSC में पूछा था, ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये काफी कहना, ओजोन लेयर, इस पर आप खूब लिख सकते हैं, जितना आप लिखना चाहे इन सभी चीजों पर लिख सकते हैं, ठीक है। एसिड ड्रेन, डेजर्टिफिकेशन, एनवायरमेंटल लॉज, लॉज छोड़ दे, लॉज छोड़ने के बाद भी आप जो है बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। लॉज के अलावा जो है आप याद रखिएगा एनवायरमेंटल, ये जो सेक्शन है ध्यान में रखिएगा, एक तो हो गया ये वाला, क्या था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आ चुका है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स याद रखिएगा, थ्रेट टू दी बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, है ना, एसिड रेन, डेजर्टिफिकेशन, है ना। तो ये वो सेक्शन है जो पूछेगा ही, इस अलग हो ही नहीं सकता है, जब भी पूछेगा यहां से एक प्रश्न हिटअप करना एकदम तय है, याद रखिएगा। तो ये सेक्शन जरूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी अपनाई गई उसको लेकर के थोड़ा देख लीजिएगा। इसके अलावा जो ट्रिटी है NPT और CTBT ट्रिटी जो है उनको लेकर के आपको देखना है। स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, चंद्रयान से लेकर के जो भी स्पेस प्रोग्राम है उन पर। एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, सैटेलाइट्स का क्या उपयोग है डिफरेंट पर्पस के लिए, डिजास्टर वार्निंग के लिए काम आता है, मैपिंग ऑफ वाटर के लिए, GIS का जो एप्लीकेशन है ना, तो GIS को लेकर के तो पूछा ही जाता है, चाहे वो हम कहेंगे चाहे वो MCQs में पूछे या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर यानी डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोग्राम, साइबर क्राइम एंड साइबर लॉस, कुछ डाटा प्रोसेसिंग को लेकर की भी है। साथ में जियो और रिमोट सेंसिंग वाला सेक्शन देख लेंगे, है ना, यहाँ थोड़ा वर्क कर लेंगे। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, एप्लीकेशन सैटेलाइट्स ऑफ दी डिफरेंट पर्पसेस, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, जैसे अग्नि जो हमारे यहाँ मिसाइल्स है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको जो है ध्यान में रखिएगा, पूछ दिया तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ मलेरिया, लेप्रोसी, TB, कैंसर, एड्स, ब्लाइंडनेस, ATC, एक क्वेश्चन पूछा गया था MCQs में भी इसको लेकर के, तो हो सकता है कि आगे इसको लेकर के भी पूछा जाए। तो ये था, याद रखिएगा साथियों, 6 के जो है सिलेबस है, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रश्नों को लेकर के थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार प्रश्न रहेंगे। तो कुछ एज यूजली चूंकि कुछ MCQs मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको उसको लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
और प्रश्न था कि आनुवांशिकी फादर ऑफ द जेनेटिक्स इज मेंडल मॉर्गन मूलर हुगो डी वरीस, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, मेंडल होगा इसका उत्तर बिल्कुल। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं ना, मेंडल को कहते हैं। मेंडल का जो मटर एक्सपेरिमेंट है आप लोगों को पता ही है, बोलने की क्या आवश्यकता है। उसे 1865 में सबके सामने रखा गया था और 1866 में उन्होंने उनके पेपर पब्लिश भी हुई थी। उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखिएगा ये उनके पेपर पब्लिश, जो पुस्तक में पब्लिश हुआ था, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं हेमोफीलिया के बारे में। हेमोफीलिया में भी चार ऑप्शन दिया था, क्या ये एक छूत की बीमारी अर्थात इन्फेक्शस डिजीज है, या सेक्स लिंग डिजीज है अर्थात लिंग से संबंधित बीमारी है, कुपोषण के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हेमोफीलिया क्या है, नहीं हेमोफीलिया एक्चुअली होता है ब्लड क्लॉटिंग का जो कारण है, ब्लड क्लॉट नहीं करता है। और मूल रूप से ये क्यों कारण होता है ना, जेनेटिक म्यूटेशन होने पर या चेंज होने के कारण होता है। तो देखिए यहाँ मैंने आपको कहा था कि डीएनए वाला सेक्शन जेनेटिक्स वाला सेक्शन से प्रश्न पूछेगा ही, तो दो प्रश्न देखिए जेनेटिक्स को लेकर ही पूछ दिया है। इसके अलावा माइटोसिस मायोसिस भी पूछा है, प्रोफेस वन के जो जो स्टेजेस है वो पूछ दिया है, ये पूछेगा ही पूछेगा। चलिए इसके अलावा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पृथ्वी का जो पथ है वो कैसा है, तो इलिप्टिकल है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन रहता ही है साइंस के क्षेत्र में और काफ़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दो तीन क्वेश्चन तो हो ही गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा था, जैसे मैंने आपको कहा कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ झारखंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एज पर दी प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट 1989 ऑन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, झारखंड कम्स अंडर किसके, तो 15 याद देखिएगा 15 भाग में पूरे इंडिया को बांटा गया था, उसमें झारखंड कहाँ पे आते हैं, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं, तो ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कौन कौन से स्टेट हैं, तो प्लेट्यू वाला स्टेट है भी, जो पूर्व के क्षेत्र का जो प्लेट्यू वाला स्टेट है उसमें झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, दंडकारण्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की विशेषता को आप लिख सकते हैं, 26 डिग्री से 34 डिग्री जो है गर्मी के मौसम में होता है, कई बार ठंड में जो है जनवरी या दिसंबर का जो टेम्परेचर होता है 10 से लेकर के 25-26 तक हो जाता है। एनुअल रेनफॉल 80 से लेकर 150 सेंटीमीटर, हमारे यहाँ का एनुअल रेनफॉल कितना है, 140 सेंटीमीटर है, तो देखिए पूरा पूरी फिट बैठ रहा है 80 से 150। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ क्या है, सॉइल्स आर रेड है, येलो है, और कुछ कुछ जगह पर लैटराइट पाया जाता है, एकदम परफेक्टली बैठता है हमारे यहाँ भी। हमारे यहाँ का जो लाल मिट्टी वो 90% क्षेत्रों पर मिलता है, और येलो मिट्टी तो साथ में आपने देखा कि पीली धूसर मिट्टी भी यहाँ मिलती है, पीली बलुई मिट्टी मिलती है, और कुछ क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी भी हमारे यहाँ पर मिलता है, जैसे नेतरहाट के पास जो लैटराइट की मिट्टियाँ हैं, पूर्वी ढालभूम के क्षेत्र में लैटराइट मिट्टियाँ पैचेस में मिल रहा है, और साथ में आपने देखा कि राजमहल के पास जो पैचेस में मिल रहा है, तो तीन ये क्षेत्र जहाँ हमें लैटराइट मिट्टी मिल रहे हैं। तो एकदम जो पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन का जो एग्रो क्लाइमेटिक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1989 में, उसमें हम कहां पर पहुंचते हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन पर। तो देखिए यहां पे चार ऑप्शन था, चार ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन, तो इसे आप इसी तरीके से तैयार कर ले, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन क्या है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को लेकर के पूछा गया था कौन से नदी पर है। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन से नदी पर है, बोलने की तो आवश्यकता है नहीं, ये नर्मदा रिवर पर है, है कि नहीं। इसको लेकर के बहुत झमेला भी हुआ था, आप सभी को याद होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 अप्रैल 1961 में इसका लेट डाउन किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें बाद में काफ़ी समस्या उभरने लगी नर्मदा नदी को, नर्मदा जो सरदार सरोवर डैम है उसको लेकर के। बाद में 90s के दौर में मेधा पाटकर बाबा आमटे के द्वारा यहाँ पर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया, है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ 1995 में, फिर इसके हाइट में जो है इंक्रीज किया गया, इसके हाइट अभी जो है 139 तक पहुंचा है, और फिर इसे 2017 में जो है इसका इनॉग्रेशन भी किया गया, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक भी इसके साथ जो है इसे सहायता करके इसे बनाया गया। तो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर के यहीं से मेधा पाटकर जी हो गया, बाबा आमटे जी का हो गया, इनका नर्मदा बचाओ आंदोलन भी दिखा था, ठीक है। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ये तो मैं काफ़ी डिटेल्स आपको दे दिया, लेकिन आप तो इसे टिक तो कर ही आसानी से टिक कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि साइंस में नंबर उठाया जा सकता है। चलिए
एक क्वेश्चन को लेकर के और डिस्कस कर लेते हैं। GIS डील विथ विच काइंड ऑफ डेटा, न्यूमेरिक डेटा, बाइनरी डेटा, स्पाटियल डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा। GIS किस तरह के डेटा से संबंधित है? संख्यात्मक डेटा, बाइनरी डेटा, स्थानिक डेटा, जटिल डेटा। तो जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम, तो जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम का काम क्या है ना, आपके जो स्थानिक क्षेत्र है, रीजनल क्षेत्र है, उसको डिटेल्स तैयार करना। तो स्पाटियल डेटा होगा इसका आंसर, ठीक है। स्पाटियल डेटा को ये तैयार करता है। अब उसमें मिट्टी हो सकते हैं, उसमें मिनरल्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के काफ़ी क्या है सेंटर्स हैं। सबसे पहले क्या है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, जेसैक जिसे हम लोग कहते हैं, जिसकी स्थापना 2003 में किया गया था। और इसको लेकर के प्रश्न तो पीटी में ही पूछा गया है, बाढ़ वाला जो है, आकस्मिक बाढ़ वाला जो नियंत्रण का काम इसके पास है। इसके अलावा याद रखिएगा, रिमोट सेंसिंग एंड GIS ट्रेनिंग लैब रांची स्थित है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट जो BIT मिश्रा के अंतर्गत है, और ये जो है काम करता है हमारे यहाँ पर। BIT मिश्रा का भी योगदान है, अगर आपने पढ़ा है आपदा प्रबंधन में तो वहां से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो GIS डेटा वाला जब भी पढ़ेंगे झारखंड के संदर्भ में, मैं इसको लिखने का प्रयास, मान लीजिए कि GIS क्या है, GIS का वर्क लिख रहे हैं, तो जेसैक को जोड़ दीजिए, इसके अलावा रिमोट सेंसिंग और GIS ट्रेनिंग लैब को जोड़ दीजिए, कुछ सर्च कर लीजिए। झारखंड के रिस्पेक्ट में करिए, नॉट इंडिया, ये पूरे भारत के रिस्पेक्ट में मत करिए। अगर आपको भारत के रिस्पेक्ट में देना है तो कुछ दे, लेकिन ज़्यादा प्रयास करें कि झारखंड के सेक्शन में देने का। जैसे मैंने आपको तीन सेंटर के नाम बताए, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, रिमोट सेंसिंग एंड GIS ट्रेनिंग लैब, रिमोट सेंसिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अब BIT मिश्रा में एक डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको लेकर के हमने चर्चा किया, ठीक है। और आगे ही ऐसे ही कई प्रश्नों को लेकर के आगे जब पेपर का एनालिसिस किया जाएगा तो मैं आप सबके सामने लेकर के आऊँगा। एक बार फिर से हमारे सभी भाइयों को, सभी साथियों को जो है होली के इस पावन पर्व में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में खुशियों का रंग भरे और आपके जीवन में जो आप तैयारी कर रहे हैं वो मेहनत रंग लाए। वो देखिए, मेहनत का फल मिलना ही चाहिए, और ना मिले तो ना केवल हमारे राज्य के लिए घाटा है बल्कि हमारे देश के लिए भी ये घाटा है। आप सभी का मेहनत, जो कोई भी मेहनत करे उनका रंग ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।